उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। यहां भ्रष्टाचार होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन प्रदेश में 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद यह संदेश लखनऊ से दे दिया गया कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। लेकिन अब बीजेपी के विधायक ही भ्रष्टाचार पर आवाज उठा रहे हैं तो मामला और गंभीर हो जाता है। रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस वाली सरकार, फिर भी कैसे चल रहा है भ्रष्टाचार? बीजेपी विधायकों ने उठाई आवाज, सरकार के इरादे कौन कर रहा कमजोर? प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी भ्रष्टाचार को लेकर सख्ती दिखाई और इसका असर प्रशासन स्तर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब खुद बीजेपी के विधायक ही भ्रष्टाचार मुखर दिखाई दे तो मामला और गंभीर हो जाता है। पहले तीन तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए। पहली तस्वीर कानपुर की है। नमामि गंगे परियोजना में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। दूसरी तस्वीर संभल की है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग में पनप रहा भ्रष्टाचार, शिकायत शासन से की गई है। तीसरा मामला भी संभल का ही है। यहाँ पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार है, शौचालय निर्माण में धांधली का आरोप है। कानपुर के बिठूर से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा का दावा है कि कानपुर में घाटों की सफाई के नाम पर नमामि गंगे परियोजना फर्जीवाड़ा चल रहा है। विधायक ने मीडिया के सामने विशाल प्रोटेक्शन फोर्स पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस कंपनी के जिम्मे गंगा की साफ सफाई का काम है। देखिए, आप लोग सब लोग जान रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है नमामि गंगे परियोजना। गंगा जी को सफाई करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। विगत दिनों आपने देखा, प्रधानमंत्री जी हमारे कानपुर की धरती पर भी आए और बहुत गहनता के साथ में चर्चा भी हुई और सार्थक काम भी हुए। लेकिन आज हमारी बिठूर में लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। हमारे बिठूर में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जो सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति विशाल प्रोटेक्शन फोर्स के माध्यम से की गई है, उसमें मुझे भ्रष्टाचार देखने को मिला। जहाँ 60 कर्मचारियों का पेमेंट उठ रहा है, वहाँ मात्र 15 से 20 कर्मचारी भी वहाँ काम नहीं कर रहे हैं। आपके कानपुर में भी इनके पास काम है, आपके गंगा जी के घाट जहाँ जहाँ पर भी हैं, जो बड़े धार्मिक स्थान हैं वहाँ पर इनके पास काम है। और बड़े स्तर पर नमामि गंगे परियोजना, जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर पलीता लगाने का काम ये अधिकारी और ये ठेकेदार मिलकर के कर रहे हैं। इतना ही काम पर रखने के लिए जिम्मेदार लोगों ने घूस की रकम को डकारा। हम ड्यूटी तुमको चढ़ाएंगे, 60,000 रुपए दो। तो उन्होंने कहे हम देंगे, ड्यूटी चढ़ा लिया। फिर उनको कराया 3-4 महीना ड्यूटी, उसके बाद हटा दिया। उनकी हो गई तबीयत खराब, बुखार आने लगा। तो हम जाते थे पैसा लेने के लिए, हम पति दो लोग की ड्यूटी से हटा दिया, हमारा पैसा वापसी करो। तो कहने लगे कि अभी हम पे है नहीं है। नमामि गंगा के नाम पर पैसे डकार रहे हैं ठेकेदार और कुछ अधिकारी। आगे बढ़िए। संभल चलिए। यहाँ बीजेपी के विधायक अजीत कुमार ने स्वास्थ्य महकमे में चल रहे भ्रष्टाचार पर अपनी आवाज को बुलंद किया है। विधायक का दावा है कि जच्चा बच्चा को मिलने वाला खाना यहाँ के गैर जिम्मेदार अधिकारी खा जाते हैं। उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था है वो सही प्रकार से नहीं मिल पा रही थी, तो जनता ने जो हमसे अपनी बात रखी थी वो बात हमने शासन के लिए लिखित में दिया था और वहाँ से शासन से इसकी जांच मांगी गई है और जांच करने के लिए यहाँ पर अधिकारी लोग आए हैं। प्रशासन की वजह लापरवाही बरतने वाले चंद लोग हैं, उनकी वजह से सभी लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए जो है शिकायत भी करनी पड़ती है। पंचायत स्तर पर फैल रहे भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बनाए जा रहे शौचालय निर्माण में धांधली हो रही है और अधिकारी पुराने को नया बताकर चांदी काट रहे हैं। वैसे तो देखिए, अधिकतर ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार है और वहाँ के ग्रामवासियों द्वारा, हमारे द्वारा भी अधिकारियों को जिले स्तर पर समय समय पर अवगत करा रहे हैं, पत्रों के माध्यम से भी शिकायत भेजी जा रही है। इसमें जो प्रधान और सचिव लोग हैं
कुछ पुराने शौचालय बनाकर ही उसमें पैसा निकाल लिया गया। फिर माननीय विधायक जी ने वहाँ पर क्षेत्रीय भ्रमण किया, क्षेत्रीय भ्रमण पर पता लगा कि सिद्ध भी हुआ कि पुरानी लेटरिंगों पर पैसा निकाल लिया गया है। मनेरेगा में जितना भी कार्य होता है लेबर से, उनको 500-500 रुपये दे करके और उनको भेज दिया जाता है, बाकी पैसा प्रधान और सचिव अपना बंटवारा कर लेते हैं। अभी 7-7, 8-8 महीने से शिकायतें दे रखी हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं लेके आ पा रहे हैं। जब तक शायद इलेक्शन आ जाएगा वो लोग बच जाएंगे आराम से। तो इधर कांग्रेस को भी मौका मिल गया। जब विधायक ही प्रताड़ित हैं भ्रष्टाचार से, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है और कह रही है, शुचिता की बात कर रही है, ये झुठला रहा है पूरी तरह से। दूसरे लोग तो आरोप लगा रहे थे, अब उनके घर के ही लोग आरोप लगा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को इस पे सफाई देनी चाहिए, जांच बैठानी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। तो कांग्रेस ने सवाल किया, बीजेपी ने रटा रटाया जवाब दिया है, कार्रवाई होगी। ये अभी तक के इसके संदर्भ में मेरी कोई जानकारी नहीं आई है इस विवाद के बारे में, परंतु अगर ऐसा कुछ है जैसा आप बता रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई तथ्यों की जानकारी करेगा और जो उसमें वास्तविकता पाई जाएगी वो उसके खिलाफ कार्रवाई। तो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो मानने को तैयार नहीं है और प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति खंडित करने का काम कर रहे हैं। मामला इसलिए गंभीर लगता है क्योंकि भ्रष्टाचारियों की पोल खुद बीजेपी के विधायक खोल रहे हैं। कानपुर से नीरज अवस्थी, संभल से सद्दाम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।